पंप पे कोई पेट्रोल नहीं भराएगा, इसकी मेडिकल के ऊपर कोई दवाई नहीं लेगा। आपके अंदर अगर एक राई के दाने के बराबर ईमान होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहिता। भारत को अनेकताओं में एकता वाला देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सदियों से हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ रहते हैं। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एकता और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहाँ पर एक सफेद कुर्ता पैजामा पहने मौलाना की तरह दिखने वाला एक इंसान अल्लाह और रसूल के नाम पर कसम खिलाकर इस भाईचारे में पलीता लगाने की कोशिश कर रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। दूसरी बात, इनके जो पेट्रोल पंप है, अगर मुसलमान हो, मेरे मौलाना जो थे ये मेरे बहुत ही, अभी मुझे यहाँ मिले थे चक्की पे दो चार दिन पहले, उन्होंने गुलाम है रसूल, अगर आप भी रसूल के गुलाम हो तुम्हें कसम है इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, के इसके पंप पे कोई पेट्रोल नहीं भराएगा, इसकी मेडिकल के ऊपर कोई दवाई नहीं लेगा, इसकी गाड़ी के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, तो जो हो आप मुसलमान, आपके अंदर अगर एक राई के दाने के बराबर ईमान होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा। इसी तरीके से ईमान को बाकी रखते हुए आप लोगों के साथ अल्लाह का वास्ता है, गुलाम रसूल के बच्चों का वास्ता है और कलमे का वास्ता है, इसके जो पंप पे कोई तेल नहीं भराएगा, इसकी गाड़ी के अंदर कोई नहीं चढ़ेगा और इसकी मेडिकल से कोई दवाई नहीं खरीदेगा, यही मेरी आज से आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के विनती है, दरख्वास्त है, इस पे अमल करेंगे। पेट्रोल पंप पड़े हुए इस वीडियो को दिल्ली के रजौरी गार्डन से अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सिरसा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये कैसी पट्टी पढ़ा रहे हैं कुछ कट्टर लोग आम जनता को, हिंदू की दुकान से पेट्रोल नहीं भरवाना, सिख की दुकान से सामान नहीं लेना, इनकी जहरीली बातें देश में आग लगा देंगी, हमें नफरत का जहर फैलाने वालों को हराना है और एकजुट होकर नया भारत मजबूत बनाना है। क्या बिगाड़ सकता है। दूसरी बात, इनके जो पेट्रोल पंप है, अगर मुसलमान हो, मेरे मौलाना जो थे ये मेरे बहुत ही, अभी मुझे यहाँ मिले थे चक्की पे दो चार दिन पहले, उन्होंने गुलाम है रसूल, अगर आप भी रसूल के गुलाम हो तुम्हें कसम है इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, के इसके पंप पे कोई पेट्रोल नहीं भराएगा, इसकी मेडिकल के ऊपर कोई दवाई नहीं लेगा, इसकी गाड़ी के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, तो जो हो आप मुसलमान, आपके अंदर अगर एक राई के दाने के बराबर ईमान होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा। इसी तरीके से ईमान को बाकी रखते हुए आप लोगों के साथ अल्लाह का वास्ता है, गुलाम रसूल के बच्चों का वास्ता है और कलमे का वास्ता है, इसके जो पंप पे कोई तेल नहीं भराएगा, इसकी गाड़ी के अंदर कोई नहीं चढ़ेगा और इसकी मेडिकल से कोई दवाई नहीं खरीदेगा, यही मेरी आज से आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के विनती है, दरख्वास्त है, इस पे अमल करेंगे। पेट्रोल पंप पड़े हुए। हालांकि इस पूरे वीडियो में कहीं भी किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया है। वीडियो में मौलाना सा दिखने वाला ये व्यक्ति सिर्फ ये कहते हुए दिख रहा है कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो इसके पेट्रोल पंप से पेट्रोल मत डलवाओ, मेडिकल स्टोर से दवा मत लो और इसकी गाड़ी पर सवारी मत करो। इस वीडियो से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है या फिर किसी समुदाय के बारे में। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो को दो बार ट्वीट किया है जिसे करीब 4,500 बार रीट्वीट किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हिंदुओं सिखों की दुकान से सामान नहीं लेने को कहा जा रहा है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। इसके पंप पे कोई पेट्रोल नहीं भराएगा, इसकी मेडिकल के ऊपर कोई दवाई नहीं लेगा। आपके अंदर अगर एक राई के दाने के बराबर ईमान होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा।